2016 में जब 5 एकड़ का केला था हमारा, तो 24.5 लाख का केला बेचा हमने। उसमें मैंने करीबन 5 एकड़ लैंड भी खरीदी है, परचेस करी है, उसकी आज मार्केट वैल्यू 1 करोड़ रुपए है। तो उसके बाद हमने मकान बनाया, घर पे काम किया, उस समय तो साइकिल भी नहीं थी। तो इस तरह से जो केले से ग्रोथ मिली वो बहुत ही ज़बरदस्त ग्रोथ मिली। साइंटिफिक रूप से अगर काम करता है व्यक्ति तो उसके जीवन में बदलाव आना निश्चित है, और उसने सही जगह पहुंचना चाहिए और सही तकनीक को अपनाना चाहिए। मध्य प्रदेश का धार जिला, नर्मदा की घाटी, विंध्याचल की पहाड़ियाँ और निमाड़ का पठार, करीने से सजाए गए खेत, कहीं गेहूं, कहीं चना, कहीं कपास तो कहीं सब्जियों की चमक, लहलहाती केले की फसल। धार की इसी काली मिट्टी से हम आपके लिए खोज कर लाए हैं खेती का एक और हीरा। तकनीक से तरक्की सीरीज में मिलिए बनाना फार्मर ऑफ इंडिया का अवार्ड पा चुके संतोष लछेटा से। वो किसान जो कभी सिर्फ 200 रुपए के अभाव में अपने जीवन का महत्वपूर्ण इम्तिहान देने से वंचित रह गया था, आज वो खेती से साल में लाखों रुपए कमा रहा है। पिताजी जो खेती करते थे वो यही सामान्य खेती करते थे, कॉटन लगाना, मक्का है, सोयाबीन है, गेहूं है, यही सब लगा देते पिताजी। खेती तो पहले मैंने पहले ही से ही शुरू करी थी, 96-97 में शुरू कर ली थी खेती, पर केला अपन ने 2016 में ही स्टार्ट किया, 15 में लगाया और 16 में एक्सपोर्ट हुआ। संतोष धार जिले के मनावर तहसील के साततलाई गांव में रहते हैं, जहां बड़े पैमाने पर प्याज और केले की खेती होती है। संतोष के मुताबिक उनके गांव का लगभग हर किसान केला लगाता है। वो कहते हैं केला धार और पड़ोसी जिले बड़वानी के हजारों किसानों की कमाई का मजबूत जरिया बन रहा है, और ये मुमकिन हो रहा है नई तकनीक को अपनाने के साथ सीखने और खेती में कुछ कर गुजरने के जुनून से। मेरा मित्र गौरव जाट करके है गांव में हमारे, हम लोग जलगांव विजिट के लिए गए, हम 6 लोग साथ में गए वहाँ पे। जेन इरीगेशन के हमारे जो पाटिल साहब है, डॉक्टर के बी पाटिल साहब, तो साहब एक बार विजिट करने आए और उन्होंने बताया कि नहीं इसमें अपन केला कर सकते हैं तकनीकी ज्ञान से। तो फिर हमने इसमें ड्रिप भी डबल लेटरल ड्रिप डाली, क्योंकि केले के अंदर जो रूट जोन होता है वो चारों तरफ फैलता है। तो फर्स्ट साल में ही हमने जब केला तैयार किया उसको पूरा फ्रूट केयर ऑपरेशन, जो भी इंटरनेशनल एक्सपोर्ट के मापदंड है उस हिसाब से हमने उसमें काम किया। फर्टिलाइजर डेली फर्टिगेशन शेड्यूल रहा, हम हर महीने जलगांव जाते और वहाँ से फर्टिलाइजर का शेड्यूल लिखा के लाते हैं। तो फिर वो पहले ही साल में हमारा केला ईरान के लिए एक्सपोर्ट हुआ, और ईरान की जो पार्टियाँ थी जिनको फ़ोटो भेजे यहाँ से, वो खुद फील्ड तक चल के आई और उन्होंने देखा कि भाई MP के अंदर ऐसे कौन से किसान हैं जो इस तरह का केला तैयार कर रहे हैं। संतोष की कहानी में आगे बढ़ने से पहले केले की खेती के आंकड़ों पर नजर डालते हैं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा केला उत्पादक देश है। औसतन 9 लाख हेक्टेयर केले की खेती होती है, 31 से 35 मिलियन टन का उत्पादन होता है। यहाँ एक बात सबसे ज्यादा गौर करने वाली है, पूरी दुनिया के केला उत्पादन में भारत की भागीदारी करीब 27% है, लेकिन पूरे विश्व के निर्यात में हमारी हिस्सेदारी महज 1% है। इतने बड़े पैमाने पर केला उत्पादन करने के बावजूद विदेश से पैसा कमाने में फिसड्डी क्यों? संतोष इसकी वजहें गिनाते हैं। वो कहते हैं खराब पौध का चयन, खुली सिंचाई और फ्रूट केयर पर ध्यान न देने के कारण न सिर्फ केले की क्वालिटी औसत रह जाती है बल्कि उत्पादन भी प्रभावित होता है। बहुत सारे किसान गांठ से केला लगाते हैं, गांठ में यूनिफॉर्म गांठ नहीं होती, एक साइज की गांठ नहीं मिलेगी, उसकी फ्लावरिंग और उसका सारा जो पीरियड है, ड्यूरेशन, जो फसल क्रॉप रोटेशन है उसका लंबा समय लगता है। टिश्यू कल्चर में क्या है कि आपको तैयार पौधा मिलता है, जो 9 महीने तक वो बॉटल के अंदर तैयार करते हैं पौधा, सारी प्रोसेस उसकी 11 महीने की रहती है और 11वां महीने में वो अपने को किसान को देते हैं। तो जो प्रोसेस टिश्यू कल्चर रहती है उसमें एक जैसा पौधा मिलेगा, उसमें डिसीज फ्री मिलेगा। गांठ में क्या है कि कोई निमेटोड आपके खेत से उठा के दूसरे खेत में चली गई, कोई फंगस है तो वो आप
यहाँ से वो दूसरी फील्ड में चले जाएंगे जहाँ भी लगाएंगे वहाँ। तो इस कारण गांट में जब हार्वेस्टिंग होती है तो 70% 60% पौधे ही हार्वेस्ट होते हैं। टिश्यू कल्चर में 85% तो मिनिमम है और हमारे जैसे किसान 95% तक हार्वेस्ट करते हैं। गरीबी के चलते किताबी ज्ञान में पीछे रह गए संतोष अपने खेती के अनुभव और तकनीकी ज्ञान के दम पर खेती के वैज्ञानिक नजर आते हैं। मिट्टी की तैयारी से लेकर एक्सपोर्ट क्वालिटी केला उगाने के लिए वो टेक्नोलॉजी के साथ चलते हैं। फिर चाहे बेदाग केलों के लिए बीआई करना हो या फिर फ्लोरेट निकालना, उनकी पोटली में सभी हाईटेक टूल्स मौजूद हैं। चार चीजों फॉलो करता है, एक तो सॉइल हेल्थ हुआ, टिश्यू कल्चर हुआ, ड्रिप इरिगेशन हुआ और टेक्नोलॉजी जो कि साइंटिफिक रूप से क्रॉप की टेक्नोलॉजी होती है, वो हम ये चार चीज़ों को फॉलो करते हैं। जैसे ही बनाना में फ्लावरिंग स्टार्ट होती है, फ्लावरिंग स्टार्ट होती है, बंच जैसे ही बाहर आता है इस डायग्राम में, तो उसमें हम ऊपर से 6 इंच नीचे एक निडिल है जिसको बीआई प्रोसेस बोलते हैं, वो निडिल को इंजेक्ट करते हैं और उसमें 100 ml पानी, जिसमें 1 लीटर पानी में 0.5 ml कॉन्फिडोर रहती है, वो उसमें इंजेक्ट करते हैं ताकि जो थ्रिप्स वगैरह जो रस चूसने वाले कीड़े हैं वो उसकी क्वालिटी को ख़राब ना करें, फ्रूट की स्किन को ख़राब नहीं करें, इसलिए वो प्रोसेस बीआई प्रोसेस बोलते हैं वो करते हैं। जैसे ही बंच नीचे आया उसके बाद उसमें फ्लोरेट्स आते हैं, तो उन फ्लोरेट्स को मोजे से हाथ से हाइजीनिक तरीके से उनको हम रिमूव कर देते हैं ताकि थ्रिप्स या अन्य कोई इंसेक्ट उस पर नहीं रहेगा, तो इससे जो क्वालिटी आएगी वो एकदम स्पॉटलेस बनाना आएगा। इंटरनेशनल लेवल पे उसकी रिकमेंडेशन है इमिडा की। केले को वाटर इंटेंसिव क्रॉप माना जाता है, लेकिन संतोष और उनके जैसे काफी किसान लाखों रुपए खर्च करके कई किलोमीटर दूर नर्मदा से पाइपलाइन लेकर आए हैं और खुली सिंचाई करके पानी को बर्बाद नहीं कर सकते, इसलिए वो अपनी सभी फसलों में ड्रिप इरिगेशन को इस्तेमाल में लाते हैं। पानी की हमारे यहाँ बहुत समस्या थी पहले कि कुओं में भी पानी कम था, गर्मियों में पानी कम रहता था, इसके लिए हमने नर्मदा जी से 9 किलोमीटर लाइन डाली, 110 mm की लाइन जिसको 4 इंची बोलते हैं, और बैंकों से लोन लिया था, उसको चुकाने में 10-10 साल लग गए हमको। ड्रिप से क्या है कि आपके एक तो पानी की सेविंग हुई, आप जो फर्टिलाइज़र हाथ से अप्लाई करते हैं ज़रूरत से ज़्यादा डालते हैं, जब तक फर्टिलाइज़र रूट तक नहीं जाएगा तब तक प्लांट नहीं लेगा ना उसको, तो इसलिए ड्रिप से ये बेनिफिट मिला है कि हर बूंद के साथ आपका फर्टिलाइज़र घुल के जा रहा है, तो पौधा उसको 100% अपटेक करता है और वो रिजल्ट देता है, और आपका जो फर्टिलाइज़र है वो यूज़ होता है, जमीन भी बचेगी, ज़्यादा पानी देने से ज़मीन भी ख़राब होती है। संतोष की आज की दुनिया जितनी चमकदार है, उनका बीता कल उतना ही संघर्षों से भरा रहा है। पुराने दिनों को याद करते ही उनकी आंखें डबडबा जाती हैं। खुद को संभालते हुए वो कहते हैं वो काफी बुरा दौर था, आर्थिक तंगी ने उन्हें आगे पढ़ने नहीं दिया, लेकिन अब उनको लगता है कि ईश्वर ने उन्हें खेती करने के लिए ही बनाया था। एग्रीकल्चर से पढ़ रहा था 10वीं और 12वीं में, उसके बाद कॉलेज में मैंने बीए लिया, तो घर की स्थिति इतनी ख़राब होने के कारण हमें एग्ज़ाम देने भी नहीं जा पाया, पीईटी की जो एग्ज़ाम होती है उसका किराया भी नहीं था। उस समय इंदौर का किराया 100-150 रुपये किराया था, तो फिर हमने सोचा कि अब इतनी स्थिति में अपने को खेती ही करना है, अपन आगे कुछ कर नहीं पाएंगे। अपन तो सोचते थे कि केला पकाना और उत्पादन लेना ही बहुत बड़ी बात समझते थे। बहुत ही खुशी की बात है कि एक छोटे से गाँव से आदमी इतनी बड़ी उपलब्धि पे पहुँचे, और मेरा ये मानना है कि जो भी किसान तकनीकी ज्ञान से जुड़ेगा उसकी तरक्की निश्चित है। संतोष सिर्फ खुद आगे नहीं बढ़ रहे हैं, वो अपने साथ तमाम किसान का कारवां भी लेकर चल रहे हैं। बहुत से युवा किसान उनसे सीखकर केले के धुरंधर किसान बन रहे हैं। मध्य प्रदेश के साथ ही संतोष दूसरे कई राज्यों के किसानों को भी केले की खेती के गुर सिखाते हैं। 2020 में मेरी मुलाकात संतोष भाई लछेटा से हुई, उनको देख के मैंने सीखना शुरू किया केले के बारे में। उनको देख देख के मेरे अंदर इतनी ज़्यादा जिज्ञासा जगी है एग्रीकल्चर के लिए, बनाना के लिए, नई टेक्नोलॉजी मैं अब एडॉप्ट कर रहा हूँ और धीरे धीरे सीखते सीखते अपना एक मुकाम बनाना चाहता हूँ और वो मैं बना रहा हूँ। मैं काफ़ी इंस्पायर हूँ उनसे, और जो प्रोग्रेस तरक्की उन्होंने करी है, पापा ने काफ़ी अच्छा नाम कमाया है और मैं भी उनकी तरह कुछ अच्छा बड़ा करूँगा आगे चल के।
मैं भी जो मेरे पिताजी ने जिस खेती को जिस मुकाम पे लेके गए हैं, मैं उसको आगे और नेक्स्ट लेवल पे लेके जाऊंगा और बेहतर से बेहतर खेती करूंगा और उनका नाम बढ़ाऊंगा। मेरी एक छोटी सी सोच है या निवेदन है दूसरे किसानों से भी कि जो टेक्नोलॉजी हमारे पास है आज बनाना की, वो देश के हर बनाना फार्मर के पास पहुँचे और उनकी भी तरक्की है और सारे देश की तरक्की तभी होगी जब हर व्यक्ति अच्छा काम करेगा, उनको अच्छा पैसा मिलेगा। संतोष उन सभी का आभार जताते हैं जिनकी वजह से उन्हें ये मुकाम मिला। वो कहते हैं, खेती की जिस तकनीक से मेरी तरक्की हुई वो हर किसान तक पहुंचे, यही मेरी कामना और लक्ष्य है। जेन इरिगेशन जो हमारी कंपनी है, मैं उसको हमारी बोलता हूँ क्योंकि हम उससे बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं। आज जेन इरिगेशन के कारण ही यहाँ आके खड़े हुए हैं। उनका पूरा सपोर्ट, पूरी उनकी टीम, एग्रोनॉमिस्ट टीम, साइंटिस्ट टीम, लेबोरेटरी वाले, टिश्यू कल्चर वाले, सारे लोगों का फुली सपोर्ट, यहाँ तक कि मालिक तक का भी हमको सपोर्ट मिलता है। अगर कोई चीज़ की कमी होती है हमारे पास, अगर पैसा नहीं भी होता तो मालिक अपने स्पेशल लेटर पे अप्रूवल देते हैं कि नहीं भैया ये चीज़ उनको दी जाए, और उनके पास जब पेमेंट आएगा, जब क्रॉप आएगी तब अपन उनसे पैसे ले लेंगे। इस कंडीशन पे भी जेन इरिगेशन हमको सपोर्ट करती है तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे जेन इरिगेशन को, और भी किसान जो भी जुड़े उनका सभी तरह से कंपनी फुल सपोर्ट करती है। तकनीक से तरक्की सीरीज में उन सफल किसानों की कहानियां हैं जिन्होंने खेती में कुछ नया करके नई खेती को मुनाफे का सौदा बनाया है। देखते रहिए न्यूज़ पोर्टली।